जनपद अमरोहा के श्रीमत कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा संस्कृत परिषद लखनऊ के सचिव राधाकृष्ण तिवारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव राधाकृष्ण तिवारी ने महाविद्यालय में सभी कक्षाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इसी के साथ उन्होंने सभी प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर लाइब्रेरी तथा गौशाला का भी निरीक्षण किया। महाविद्यालय में निरीक्षण के दौरान सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक पाई गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ के सचिव राधाकृष्णन तिवारी ने श्रीमत कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा की प्रशंसा की। इसी के साथ महाविद्यालय की सभी छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बच्चे मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा से ही मनुष्य समाज में अच्छा कार्य और समझने की प्रेरणा देता है। इसलिए सभी बच्चों को मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, जिससे कि वो समाज में अपना ही नहीं अपने परिवार, जनपद व देश का नाम रोशन कर सके। इसी के साथ उन्होंने वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आज सभी शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम आने वाली छात्राओं को अपने कर कमलों से सम्मानित किया। इस विद्यालय को सर्वदा आगे की तरफ ले जाने वाली बहन मैं तो सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो यहाँ की आचार्य है, मैं सबसे पहले उन्हें इसलिए नमन करना चाहूंगा कि जो प्रतियोगिता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान करा रहा था, शायद आप लोग वहां प्रत्यक्ष दर्शी नहीं थे, तो आप लोग नीट हुए कुछ नीट की तरह है जो दिखाई नहीं देती, परंतु उस पर खड़ा और बहुत ये बताता है कि इतना मजबूत होगी। तो ऐसे आचार्यों को कन्या गुरुकुल ये चोटीपुरा में विद्यालय है, लड़कियों की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है ऐसी व्यवस्थाएं संभवतः प्रदेश में छोड़ दीजिएगा, पूरे भारत में ऐसी व्यवस्थाएं कहीं नहीं होंगी। यहाँ 870 छात्राएं हॉस्टल में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। निरीक्षण में जो भी हमने देखा है, यहाँ का अनुशासन, यहाँ का शिक्षण व्यवस्था, यहाँ का एटमोसफियर सभी बहुत अच्छा है, और यहाँ से जो छात्राएं पढ़ करके निकलेंगी वो काफ़ी आगे जाएगी। भविष्य उज्ज्वल है और कन्या गुरुकुल में जो छात्राएं पढ़ती हैं उनको वास्तव में देश के लिए एक गौरव है।